हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने प्लांट्स को हम कैसे बचा सकते हैं गर्मियों से। जैसे कि इतनी तेज धूप आते, देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी तेज सनशाइन हो रही है और इधर यहाँ पे छाया है, किस वजह से। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा ये सब। तो दोस्तों, पहली टिप क्या है, अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है, लॉकडाउन भी है वैसे तो ग्रीन नेट नहीं है, तो आप क्या करिए, एक रस्सी होती है उसको आप बांध लीजिए किसी चीज़ से। जैसे कि मैंने अपनी ग्रिल से बांधी हुई है, आप इससे उसको बांध करके कहीं और फिर आप उसको बांध दीजिए वहाँ से। अगर आपके पास नहीं है कोई जगह वहाँ से बांधने की, तो जैसे मैंने एक डंडे से बांधा उसको, यहाँ से ऐसे रोल करके फिर कहीं और से बांध दीजिए। मैंने तो अपनी मोन्टी के जाल से बांधा हुआ है। फिर ये बांधने के बाद इसके ऊपर हमको जैसे कि एक वेस्ट मटेरियल, मतलब पुरानी बेडशीट वगैरह होती है ना, हमको वो लेनी है, नई नहीं लेनी, पुरानी लेनी है, जिसमें ज़्यादातर होल्स हो। देखिए जैसे कि ये फटी हुई है, तो इससे मैंने अपने प्लांट्स को बचा रखा है। कैसे, इस पर हमको रस्सी पे करना है, चाहे तो आप इस यहाँ से छेद करके रस्सी भी इसमें बांध सकते हैं, या फिर आप इन ये पिन तो सबके घर में अवेलेबल होती है, आप इनसे भी इनको कर सकते हैं। और दोस्तों, इस पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप इस रस्सी को बांधोगे, इस रस्सी को टाइट ना होने देना, वरना ये जो रस्सी है ना दोस्तों, नीचे की तरफ झुक जाएगी और इसके नीचे तो सारे प्लांट। दोस्तों, ये जो है मेरी, ये ना 50% धूप को रोकती है, ये देखिए 50% धूप को रोकती है, और ये देखिए दोस्तों 90% धूप को ये रोक रखा है। दोस्तों, आपको ये सब समझ आ ही गया होगा। और दोस्तों, जैसे कि ये नीचे हो गया है, मान लो देखिए, वैसे तो मैं इसको नीचे करके दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों ये वैसे नीचे हो गया है, तो ऊपर करने के लिए हमको क्या करना है, एक रस्सी लेनी है, उसको यहाँ से बांधो, फिर कहीं और ईंट वगैरह से, देखिए मैंने इस पॉट के मटके के पीछे ईंट से बांध के इसको रखा हुआ है। और जैसे कि अगर आपको इसको नीचे करना है, तो आप इसको जितना उसके पास लेते जाओगे ना, उतना नीचे होते रहेगा, अगर जितना आप ऊपर करोगे ऐसे, देखिए इस रस्सी को ऐसे पकड़ के ऊपर करोगे, तो ये उतना ही ऊपर होता रहेगा। देखिए एकदम अच्छे से हो गया ये। देखिए दोस्तों, अभी ये वाली गांठ जो थी यहाँ पे थी, और अब यहाँ पे आ गई, इसकी वजह से ये देखिए दोस्तों एकदम इसके लेवल में आ गई है। और इसके ऊपर दोस्तों मैंने जो है ईंट वगैरह रख दी है, यहाँ पे भी एक ईंट मैं रख दूंगा अभी। तो दोस्तों, पहली टिप ये थी कि हम फ्री में कैसे अपने गार्डन को ऐसे बचा सकते हैं, तो ये आशा करता हूँ आपको जरूर समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, दूसरी टिप, दोस्तों आप ये जो मेरा देख रहे हैं, इसके नीचे मेरे दो इंडोर प्लांट्स रखे, मतलब अरिका पाम, इनको मैं डिवाइड किया है, एक ही था और पेंट भी कर दिया है गमलों को, और बीच में मेरा मैरीगोल्ड है, इनको मैंने धूप से बचाने के लिए। दोस्तों देखिए ये क्या हुआ है, दोस्तों हमारे वहाँ पे होल था उस तरफ भी, देखिए आप देख पा रहे होंगे होल था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने ऐसे दो फट्टे जो थे उनको डाला, और फिर उनके नीचे से देखिए दोस्तों, इसके नीचे तो मैंने लकड़ी का टुकड़ा लगाया हुआ है, और उसके नीचे टाइल जो होते हैं छोटी सी वो, और फिर उनके ऊपर मैंने फाइबर ऐसे रखा हुआ है, वेस्ट मटेरियल था ये, पुराना था, तो मैंने इसको लगा लिया। फिर इसमें होल करके, आप देखिए होल करने के बाद दोस्तों, इसमें यहाँ से इसको ऐसे बांध देना है, चारों तरफ से ऐसे आपको करना है। तो दोस्तों, दूसरी टिप तो ये थी, और जो तीसरी टिप्स है उसको मैं आपको भी बताता हूँ। तीसरी टिप होती है दोस्तों जैसे कि मल्चिंग की, जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट है, तो इसको बचाने के लिए सन की डायरेक्ट रेज जो आती है ना पॉट पे पड़ती है, तो पॉट गर्म होता है तो मिट्टी भी गर्म होती है, मिट्टी गर्म होता है तो रूट्स भी गर्म होते हैं, जिससे आपके पौधे को खराब होने का डर रहता है। तो दोस्तों, अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, ग्रीन नेट वगैरह और ये जो अभी अभी मैंने आपको ये बताया है वेस्ट मटेरियल का, वो जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, ये भी नहीं कर पा रहे, तो आप इस टिप को तो जरूर कर लेंगे। कहीं से आप पत्ते ले आए सूखे सूखे, या फिर सूखी सूखी लकड़ियाँ जो होती हैं, तो उनको आप इसके ऊपर गेर दीजिए, वरना अगर आप सूखी सूखी लकड़ियाँ भी नहीं गेर सकते, तो जो पत्थर आते हैं ना इतने इतने से, आप उनको गेर सकते हैं। रुकिए, मैं अभी आपको पत्थर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आप पत्थर इस पे गेर सकते हैं, 2 मिनट रुकिए, मैं आपको पत्थर दिखाता हूँ।
दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे स्टोन्स नहीं है तो आप लकड़ी, पत्ते, सूखे सूखे पत्तों का भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये स्टोन्स है, तो मैं इसको ऐसे रख दूंगा। तो जो सन, इससे क्या होगा ना दोस्तों, मैंने तो आधे पे कवर किया, पूरे पे कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, जो सन की डायरेक्ट रेज होगी ना, वो सीधा मिट्टी पर नहीं लगेगी, इंच पे लगेगी। तो ये मिट्टी जो होगी ना, कम गर्म होगी। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि एकदम फुल सनलाइट है तो आप इसमें वाटरिंग कभी ना कीजिएगा, वरना वो जो वाटर होगा इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से मिट्टी भी गर्म, वाटर भी गर्म, और फिर प्लांट फिर से खराब होने का डर। तो दोस्तों, वैसे ये मल्चिंग करने की तो जरूरत नहीं है, अगर आपने ग्रीन नेट या फिर ये सब लगवा लिया है तो मल्चिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी 3 टिप्स अपने गार्डन को ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।